साथ में है, वो मैं चाहूंगा कि वो कोलाबेरी जिसने रुक्कू भैया को सुपरस्टार बनाया, हमारे रुक्कू सोना जी को, मगर अब ये भी गाना वाना मैंने सुना, मैं एक बार पता किया तो बोले ये भी गाना वाना छोड़ के ये भी नेतागिरी में आ गए, मुझे ऐसा कहीं सुनाई दिया था। अगर बंटी भाई ने अच्छा हुआ आज बुला लिया, और मैं सिर्फ रुक्कू भाई के नाम से और बंटी भाई के नाम से और मेरे जो छोटा महापौर दया सोना के नाम से आप लोग के बीच में आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थोड़ा जोरदार ताली हो जाए। एक्चुअली एजाज भैया बोले कि रुकू भाई के लिए आया करके, एक्चुअली जब मेरे को पता चला, एक्चुअली एक मिनट, मेरा रिकॉर्डिंग था कटक में आज के डेट में, मतलब 3 तारीख, जब मैं गणेश भाई और बंटी भाई बोले कि 3 तारीख का कार्यक्रम रख रहे, मेरे को बोले कि मुख्य अतिथि एजाज भैया आने करके, तो मैं उधर कैंसिल किया कि भैया आ रहे तो इतने दिन के बाद मैं मिलूंगा और मेरा 2 एल्बम आने वाला है और उसी को मैं भैया के हाथ से पोस्टर का ना विमोचन करना चाहता हूँ। तो थोड़ा जोरदार ताली हो जाए। हम लोग भैया के जन्मदिन का प्रोग्राम किए थे तो कम से कम लगभग 15 से 16 हजार पब्लिक था वहाँ पे और इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ था, आज तक कोई भूल भी नहीं पाया है। तो मैं चाहूंगा मेरे टीम वाले वो सब आ जाए सामने और भैया के हाथ से वो पोस्टर विमोचन कर दें।